गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11th की पोइम के बारे में। ठीक है, तो पोइम का नाम है बच्चों द लेबरनम टॉप, जिसके पॉइंट हैं टेड हुग्स। ठीक है बच्चों, तो इस पोइम में पोइट ने किसके बारे में बताया हुआ है? एक पेड़ है जिसका क्या नाम है, द लेबरनम ट्री। लेबरनम का किसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अमलतास का पेड़। तो ये क्या होता है, एक पतझड़ी पेड़ होता है। इसके पत्ते झड़ते रहते हैं और किस रंग के होते रहते हैं, पीले रंग के। तो इस पेड़ का वर्णन किया बच्चों, जो इस पेड़ में एक्टिविटी होती है, कब इसके पत्ते गिरते हैं, ठीक है, कैसे ये शांत होता है, कैसे इसकी गहराई होती है, उसके बारे में डिस्कस कर रखा बच्चों। ठीक है, और साथ में किसका वर्णन बच्चों, एक पक्षी का, जिसका क्या नाम है, एक चिड़िया है जिसका नाम है गोल्ड फिंच। तो ये कैसी चिड़िया होती है बच्चों, एक छोटा सा पक्षी होता है जो गाता रहता है। ठीक है, तो ये पेड़ क्या होता है बच्चों, एक दिन कवि ने कौन से महीने का वर्णन किया इसमें, सितंबर का, सितंबर की दोपहर को, कहता ये पेड़ था बिल्कुल क्या था, बिल्कुल शांत था। ठीक है, इसके जो बीज थे वो गिर रहे थे, इसके पत्ते जो क्या हो रहे थे, पीले हो रहे थे। ठीक है, बिल्कुल शांत था दोपहर को। लेकिन तभी क्या होता है भाई, गोल्ड फिंच नाम का पक्षी, जो चिड़िया है, इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। पहले तो वो कहाँ आती है, अचानक से आती है, किसकी तरह, तो पोइट ने वर्णन करके एक छिपकली की तरह। वैसे एकदम से छिपकली कहाँ जाती है, दीवार वगैरह पे, उसी तरह एकदम से क्या जाती है इस पेड़ पे, गोल्ड फिंच नाम का एक छोटा पक्षी। तो पहले तो वो कहाँ बैठता है, इसके एक शाखा पे आकर, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो कहाँ चला जाता है, इसकी बिल्कुल गहराई में। और गहराई में जाते ही, पहले पेड़ क्या था, ये बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर जाते ही इस पेड़ में क्या शुरू हो जाती है, एक तरह से कंपन। ठीक है, सारा पेड़ कांपने लगता है, और यानी क्या शुरू हो जाता है वहाँ पे, शोर। ठीक है, तो इस गोल्ड फिंच पक्षी है जो, इसका बड़ा ही अच्छा वर्णन किया हुआ है भाई। क्या है, कवि ने क्या कह रखा है भाई, गोल्ड फिंच जो पक्षी है, क्या है, अपने परिवार का क्या होता है, इंजन। इंजन का मतलब है भाई, इंजन का क्या काम होता है, इंजन पूरी गाड़ी को क्या करता है, चलाता है। तो उसी तरह ये भी क्या है, अपने परिवार का इंजन। तो यानी इंजन का मतलब ये परिवार, अपने परिवार को कौन चलाती है, एक गोल्ड फिंच नाम का पक्षी। ठीक है, इसके जितने ही बच्चे होते हैं और हैं, उनको क्या, उनका पेट कौन भरती है, ये खुद भरती है। ठीक है, और ये क्या होती है, बिल्कुल बड़ी ही, इसके जो चेहरा है किसकी तरह होता है, धारीदार। बस इसके चेहरे पे क्या होती हैं, धारियाँ होती हैं। ठीक है, और धारीदार चेहरे को देख के ही हम बता सकते हैं कि ये कौन सा पक्षी है। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके अंदर प्रवेश करती है, तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शोर शुरू। लेकिन उसके अंदर जाके अपने बच्चों को खाना पीना खिला के वापस कहाँ जाती है, ये बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही किसकी तरफ उड़ जाती है बच्चों, आकाश की तरफ। और आकाश की तरफ उड़ते ही, जैसे ही ये वहाँ से जाती है, ये पेड़ एक बार फिर से क्या हो जाता है, शांत। तो बच्चों इसमें पोइट ने किसका वर्णन किया है, एक सितंबर महीने की दोपहर का, दोपहर को उस पेड़ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, पहले पेड़ शांत था, जैसे ही वो पक्षी आया तो वैसे ही उसमें क्या हुई, कंपन शुरू हुई, और जाती ही फिर से पेड़ क्या हो गया बच्चों, शांत हो गया। तो आइए बच्चों इसको शुरू करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। टॉप का मीनिंग क्या होता है बच्चों, चोटी। लेबरनम का मतलब क्या होता है, अमलतास का पेड़। कौन सा, किस प्रकार का पेड़ होता है बच्चों, ये पतझड़ी। पतझड़ी मतलब इसके पत्ते झड़ते हैं। तो जो लेबरनम पेड़ की जो चोटी है वो क्या है, साइलेंट मतलब बिल्कुल शांत है, और स्टिल मतलब बिल्कुल स्थिर है वो पेड़, बिल्कुल भी उसमें क्या नहीं है, हिल डुल नहीं रहा है, बिल्कुल क्या खड़ा है, शांत। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। सनलाइट यानी क्या होता है, सूर्य की रोशनी। सेप्टेम्बर मतलब सितंबर का महीना, येलो मतलब पीला, आफ्टरनून क्या होता है, दोपहर। बस सेप्टेम्बर महीने की दोपहर को सूर्य की पीली रोशनी में भाई ये पेड़ क्या है, बिल्कुल शांत, क्योंकि दोपहर को क्या होता है, सूर्य की रोशनी कैसे होती है, पीली। तो सूर्य की बिल्कुल तेज़ धूप निकली हुई है, और उसमें यानी ये क्या लग रहा है, एक तरह से पीला पड़ा हुआ है, और उसकी जो चोटी है यानी जो उसकी ऊंचाई है, जो ये पेड़ खड़ा है, बिल्कुल क्या खड़ा है, बिल्कुल शांत और स्थिर, इसमें कोई भी हलचल नहीं है बच्चों। ए फ्यू लीव्स येलोइंग। येलोइंग मतलब पीला होना, क्या मीनिंग होता है बच्चों येलोइंग का, पीला होना। लीव्स मतलब पत्तियाँ, ए फ्यू मतलब कुछ, इसकी जो कुछ पत्तियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, पीली। कुछ पीली हैं, कुछ क्या हैं, हरी हैं। ठीक है, जो उसकी पत्तियाँ थोड़े टाइम बाद क्या होती रहती हैं, पीली। ठीक है, इसलिए कुछ पत्तियाँ क्या हो रही है, इस टाइम पीली हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फालन, और इसके जो बीज हैं वो क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था फर्स्ट स्टैंजा।
फर्स्ट एंजाइम किसका वर्णन है? सितंबर महीने की दोपहर का, दोपहर को कहता है कि जो लेबरनम का पेड़ है वो क्या बिल्कुल शांत खड़ा है, ठीक है, इसके जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं और इसके जो बीज हैं वो गिर चुके हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्ज, और ये पेड़ कब तक शांत है? जब तक उस पेड़ पे क्या नहीं आती, वो गोल्डफिंच नाम का पक्षी, वो चिड़िया, विद ए ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग का मीनिंग क्या होता है? ट्विच का मीनिंग होता है फड़कना, चिरप का मीनिंग होता है कड़कड़ाहट। किसके साथ? वह फड़कते हुए कड़कड़ाहट के साथ। वो कैसे आती है? फड़कते हुए कड़कड़ाहट के साथ आती है। वह जब तक वो फड़कते हुए कड़कड़ाहट के साथ नहीं आती तब तक क्या रहता है? वो शांत। लेकिन उसके आते ही ए सडननेस ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और वो कैसे आती है? बस सडननेस ही नहीं, अचानक से ही, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, एकदम से ही क्या आ गई, वो अचानक से आ गई। और स्टार्टलमेंट क्या होता है? हैरानी, और हैरानी से, वह अचानक से और हैरानी से आती है। एंड एट ए ब्रांच एंड, और कहाँ आके कहाँ बैठ जाती है? ब्रांच का मीनिंग क्या होता है? टहनी या शाखा, एक टहनी के एंड मतलब सिरे पे। पहले पेड़ क्या था बच्चों? शांत था, लेकिन शांत कब तक था? जब तक वो पक्षी नहीं आया। पक्षी के आते ही, और पक्षी के आते कैसे आता है? बिल्कुल फास्ट, कड़कते हुए, ठीक है, फड़फड़ाते हुए, और अचानक से आके कहाँ बैठ जाता है? एक शाखा के सिरे पर। देन स्लिक एज ए लिजार्ड, स्लिक का मतलब क्या होता है? चुस्ती से। लिजार्ड मतलब, लिजार्ड किसको बोलते हैं? छिपकली। और तब एक छिपकली की तरह चुस्ती से। एंड अलर्ट, अलर्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? चौकन्ना होकर। अब्रप्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आकस्मिक, मतलब एकदम से। और तब वो, यानी वो चिड़िया है जो एकदम से अचानक से बड़ी चुस्ती के साथ, सी इंटर्स, इंटर्स का मीनिंग क्या होता है? प्रवेश करना। वो प्रवेश कर जाती है किसके अंदर? द थिकनेस, थिकनेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? गहराई। वह जो पेड़ की गहराई है उसके अंदर वो क्या कर जाती है? वह अंदर चली जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? शोर। और फिर जैसे ही वो पेड़ के अंदर जाती है तो पेड़ क्या हो जाता है? हिलना शुरू, और हिलने से उस पेड़ के अंदर एक मशीन यानी एक क्या हो जाता है? शोर शुरू हो जाता है। ऑफ चिटरिंग, किसका शोर? चिटरिंग का मीनिंग क्या होता है? चटचटाहट, चहकना, बस चहकने का। एंड ए टर्मर, टर्मर क्या होता है? कंपन, और विंग्स, और पंखों के कंपन का। क्योंकि क्या है उसके अंदर, उसके पेड़ के अंदर जो क्या है वो थिकनेस में क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ पे उसका घर है, वहाँ पे उसने घोंसला बनाया हुआ है, और घोंसले में क्या है? उसके बच्चे हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है तो बच्चे खुशी के मारे क्या है? फड़फड़ाने लगते हैं, और चिटरिंग का मतलब चहकना, और चहकने लगते हैं विंग्स मतलब पंख, सारे चहक फड़फड़ाने लगते हैं। तो उनके पंखों में फड़फड़ाने से पेड़ में क्या शुरू हो जाती है? एक टर्मर का मीनिंग कंपन से शुरू हो जाती है, कांपने लगता है पेड़। एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? रोमांच, खुश। और जो पेड़ है वो क्या उठता है? रोमांच उठता है, खुश उठता है, ठीक है बच्चों। यानी जो फर्स्ट स्टेंजा है ये किसके बारे में है? पेड़ के बारे में, पेड़ के बारे में बता रखा है बिल्कुल क्या खड़ा है, शांत खड़ा है, पत्ते क्या हो रहे हैं उसके? पीले हो रहे हैं, बीज उसके गिर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड में क्या है? उस चिड़िया के बारे में वर्णन है जिसका क्या नाम है? गोल्डफिंच। कैसा, कैसी चिड़िया होती है? गाने वाली, ठीक है, गाती रहती है। तो जैसे ये चिड़िया इसके अंदर आती हैं तो पेड़ क्या हो जाता है? एकदम से हिलना शुरू, कंपन शुरू हो जाती है उसमें, यानी उसमें एक्टिविटी हो जाती है, चुस्त हो जाता है वो पेड़, ठीक है। पहले सुस्त खड़ा था बिल्कुल, उसके आते ही क्या हो गया? वो एक्टिव मोड में आ गया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक ये समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके वर्ड मीनिंग को याद करते हुए इसकी एक एक लाइन को उठा के अच्छे से क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। घर पर क्या करके देखना है? रीड करके देखना है। तो आज का लिए आपका होमवर्क यही है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो आगे का नेक्स्ट पार्ट है हम कहाँ करेंगे? अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।